नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कोहराम कब तक? जी हां, उत्तर प्रदेश में हिंसा में शामिल प्रदर्शनकारियों की अब खैर नहीं है। वीडियो और तस्वीरें जारी कर उनके निशानदेही के लिए पब्लिक से अपील की जा रही है। वहीं 250 उपद्रवियों पर रासुका लगाने की तैयारी है। इसके साथ ही संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी की फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे। मुख्यमंत्री नाथ की ये चेतावनी खोखली नहीं थी। उत्तर प्रदेश में शहर शहर दंगा करने वालों की निशानदेही शुरू हो चुकी है। इस निशानदेही के आधार पर अब पूरे उत्तर प्रदेश में दंगाइयों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी की जा रही है। बुलंदशहर में जुम्मे की नमाज के बाद तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बिजनौर कोतवाली पुलिस ने भीड़ के साथ मिलकर उपद्रव करने वाले 33 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूरे बिजनौर जनपद में कुल 120 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। मुजफ्फरनगर में धारा 144 लागू है, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। वहीं प्रदर्शन में हिंसा करने वाले 70 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में गुरुवार की हिंसा के बाद भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं दंगाइयों की तस्वीर जारी कर पूछा जा रहा है कि क्या आप इन्हें पहचानते हैं। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रहे हैं, लगभग 220 लोग हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं अब तक। और गिरफ्तारियों के भय से ही जो अराजक तत्व हैं, इनमें जो डर उत्पन्न हुआ है, आधे ज़्यादा तो यहाँ से भाग गए हैं और आगे भी गिरफ्तारियां जारी रहेंगी। इसी तर्ज पर अमरोहा पुलिस ने हिंसा करने वालों, पुलिस पर पत्थर बरसाने वालों की तस्वीरें सरेआम चौराहों पर लगानी शुरू कर दी है। वीडियो भी जारी कर दिए गए हैं। कोई गली से निकलकर पत्थर बरसाता दिख रहा है, कोई छत पर है तो कहीं गली के नुक्कड़ पर पत्थरबाजों का जमावड़ा पुलिस को चुनौती देता दिख रहा है। इनकी पहचान के लिए अब लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आप इन्हें जानते हैं। सिर्फ पूछा ही नहीं जा रहा है, इन दंगाइयों के बारे में जानकारी देने वालों को इनाम देने का ऐलान भी किया गया है। जिन लोगों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास किया गया है, उनके सीसीटीवी फुटेज से, उनके फोटोग्राफ तैयार करके संपूर्ण जनपद के चौराहों नुक्कड़ों पर लगाए जा रहे हैं और लोगों से यह आग्रह किया जा रहा है कि जो भी इनका पता बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। नागरिकता कानून के खिलाफ संभल में भी जबरदस्त हिंसा हुई थी। रोडवेज की बसों को आग लगा दिया गया था। पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल हुए थे। अब संभल में आग लगाने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। अब तक 40 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 17 साल से 35 साल तक के लोग शामिल हैं। गिरफ्तार दंगाइयों के खिलाफ अब सार्वजनिक और निजी संपत्ति को पहुंचे नुकसान की भरपाई की जाएगी। आज तक ब्यूरो। कानपुर में उपद्रवियों ने पुलिस चौकी फूंक दी। वहीं हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक और एक पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया। नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध करने के नाम पर दंगाइयों ने पूरे कानपुर शहर में कोहराम मचा दिया। हजारों की भीड़ ने यतीमखाना पुलिस चौकी को घेर लिया और इस पर पत्थरबाजी की। पास खड़ी कार को भी आग के हवाले कर दिया। दो पुलिस वाले चौकी के भीतर फंस गए थे। हम लोग दो लोग चौकी में फंस गए, फिर इसके बाद में पत्थर चलना शुरू हो गया। पत्थर बराबर चलते रहे, गेट ढेलते रहे चौकी का। चौकी में तोड़ फोड़ करी इन लोगों ने। हम लोग अंदर दबे रहे और बराबर पत्थरबाजी होती रही। कितनी संख्या थी प्रदर्शनकारियों की? प्रदर्शनकारियों 20-25 हज़ार कम से कम होंगे।
पुलिस चौकी में हमले की खबर मिलते ही भारी तादाद में पुलिस बल पहुंचा, जिसकी हजारों की तादाद में आए प्रदर्शनकारियों से झड़प हुई। पुलिस बल पर जमकर पत्थरबाजी की गई। कुछ पुलिस वालों को इस दौरान गंभीर चोट भी आई। पूरे दिन उग्र प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प जारी रही। कभी पुलिस उन पर भारी पड़ती तो कभी पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता। अंधेरा ढलने पर कानपुर शहर में चारों तरफ तबाही और बर्बादी का आलम था। उस पुलिस चौकी की हालत देखिए जिसे प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया था। नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में हिंसक प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे। हम इस वक्त कानपुर के यतीमखाना इलाके में मौजूद हैं। ये यतीमखाना चौकी है जिसमें जमकर प्रदर्शनकारियों द्वारा तोड़फोड़ भी की गई, यहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई है। आप देख सकते हैं कि सड़कों की सड़क पर काफी संख्या में पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं। इससे पहले दिन के दौरान पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर दंगा भड़काने का आरोप है। जब विधायक की गाड़ी चेक की गई, तब देखिए वो कैसे कानपुर जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश से उलझ गए। हमारे रैंक कैबिनेट सेक्रेटरी है मिस्टर, आप ऐसे नहीं पूछ सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते। क्या कर रहे हैं? सम्मान, अगर आपका सम्मान हमारा भी है तो आपका सम्मान पूरा रखा जाएगा। ये तरीका है, आप सहयोग करेंगे। सहयोग, अच्छा सहयोग क्या किया हमने? आप जो भाषाशाली संभाल, कौन भाषाशाली संभाल कर रहे हैं आप? अच्छा, अभी कौन सी भाषाशाली संभाल कर रहे हैं? सुबह में सहयोग कर रहा हूँ, हम डीएम से मिले, कप्तान से मिले, बहुत हुआ गया, सारी चीज मैनेज कर रहे हैं हम लोग। और ये आप ये कौन सी भाषा संभाल कर रहे हैं? मेरे क्षेत्र में मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, मेरी जान में ऐसे कर रहे हैं आप, मेरी जान में ऐसे कर रहे हैं। मैं परिचय दे रहा हूँ, आप पत्नी जी कर मेरे साथ नहीं। अली साहब, ऐसे कोई सरकार ऐसा नहीं चल सकता, ऐसा नहीं कर सकता। आप उनको जेल भिजवा दीजिए, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते। आप हम डरते नहीं आपकी लाठी से, ना आप लाठी डरते, ना पुलिस डरते हम। आप गैर कानूनी काम करेंगे आप? आप हमारे पत्नी कर रहे हैं, आप मेरे पत्नी जी कर रहे हैं। आप मेरे ऐसे कर रहे हैं, आपने मारे ये लोग, ये आप लोगों ने मरवा दिए लोग, आप गलत काम कर रहे हैं। नहीं आप तो आप जज हो गए, आपने मेरी गाड़ी चेक करी क्या पाया बताइए, आपने मेरी गाड़ी चेक करी, आपने बताइए क्या पाया? सीट बेल्ट चलान कर दीजिए उसका, कर दीजिए चलान, कर दो कर दो जाके कर दो। लेकिन मुझसे मेरे प्रोटोकॉल उल्लंघन नहीं करते, सारी वीडियो मौजूद है, मेरे प्रोटोकॉल उल्लंघन नहीं करते। आपने कहा लाठी मारूंगा, आपने कहा लाठी मारूंगा, किस बात लाठी मारेंगे? आपने कहा वीडियो है उसके, उसके वीडियो है, आपने किस बात का लाठी मारेंगे आप बताइए हमको, किस बात से कहा? आप मुझे जेल भेजिए, मेरा अपराध आप मुझे जेल भेजिए, आप जेल भेजिए साहब, आप भेजिए डीजी साहब। अरे देखिए भेजिए, आप भेजिए गाड़ी को, अपनी गाड़ी भेजिए, आप भेजिए, बैठाइए। देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है, न जेल से डरे हैं न लाठी से डरे हैं। और ऐसे एडीजी और ऐसे अधिकारियों की बदतमीजी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने अपने कैमरों में देखा होगा कि क्या बातचीत हुई है, सारी रिकॉर्डिंग आपके पास है। जिस तरीके से प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं विधायक के साथ, पूर्व विधायक के साथ में, बगैर किसी बात के जेल भेजने की बात कर रहे हैं, तो हम नहीं समझते कि ये पुलिस वालों की तानाशाही। पूरे शहर में कुछ लोग भड़काने का कार्य कर रहे हैं, गाड़ियों से घूम रहे हैं। उनकी गाड़ी जब चेक की गई तो उन्होंने आपत्ति की, गाड़ी में भी मोटर व्हीकल ऑफेंस तो कर ही रहे थे। उसके साथ ही इनका कल भी जब यहाँ बवाल हुआ उसमें भी परोक्ष रूप से और कई मामलों में सीधे सीधे इनका हाथ पाया गया है। कानपुर में हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालात को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। रंजय सिंह के साथ नीलांशु शुक्ला, कानपुर आज तक। रामपुर में भी प्रदर्शनकारियों ने कोहराम मचा दिया। प्रशासन की इजाजत के बिना प्रदर्शनकारी जब सड़क पर उतरे तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दिया और उन्हें रोक दिया। इस पर प्रदर्शनकारी भड़क गए, उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने भी लाठियां भांजी और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस कोहराम में कई पुलिस वाले घायल हो गए, एक प्रदर्शनकारी की इसमें मौत भी हो गई। शांति की गुहार हो गई बेकार। सड़क पर पत्थर लेकर आ गए उपद्रव। नाम है प्रदर्शन का, नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन का बहाना है, लेकिन कहां निशाना है आप खुद देख लीजिए। इसे प्रदर्शन कहेंगे या गुंडागर्दी,
ये कौन तय करेगा, क्योंकि इनकी ये मनमानी प्रदर्शन और गुंडागर्दी का भेद मिटा रही है। देखिए ये उत्पाती पुलिस टीम पर किस तरह से पत्थरबाजी कर रहे हैं, जैसे इन्हें इसके लिए खास ट्रेनिंग दी गई हो। ज्यादातर पत्थरबाजों के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है ताकि इनकी पहचान ना हो सके। प्रदर्शनकारियों के भेष में ये असामाजिक तत्व तोड़फोड़ और हिंसा पर उतारू है। उत्पातियों को काबू करने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, फिर भी उत्पात रुक नहीं रहा है। प्रदर्शनकारी सीमाएं पार कर रहे हैं और साथ ही पुलिस के संयम का भी इम्तिहान ले रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन की ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के रामपुर की। यहाँ उलेमाओं ने प्रशासन से ईदगाह में प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। सैकड़ों लोग फिर भी बाहर निकले तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद तो वहाँ जैसे तांडव मच गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पर पथराव शुरू कर दिया, बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस पर हमला बोल दिया। जवाब में पुलिस ने भी लाठियां फटकारी और आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। पुलिस ने रबर बुलेट भी चलाई। इसके बाद तो भीड़ में मौजूद उत्पाती तत्वों ने बाइकों में आग लगाना शुरू कर दिया। सारे तहसील मुख्यालयों पर इन लोगों ने कॉल दिया था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डीएम और एसपी साहब ने सारे रिलीजियस गुरु से निवेदन किया था और उन लोगों ने आग्रह स्वीकार भी कर लिया था कि हम लोग कॉन्ग्रीगेशन नहीं करेंगे और कोई इकट्ठा नहीं होगा। उसके बावजूद भी लोगों ने स्व मोटो वहाँ पे इकट्ठा हुए, चार तहसीलों में ज्ञापन दे करके उनका कार्यक्रम समाप्त हुआ। यहाँ पर कुछ अराजक तत्व जो इसमें सम्मिलित थे उन लोगों ने फिगर ऑफ किया, पत्थरबाजी किया और उससे फिसा दे दी। यहाँ पे दो मोटरसाइकिलें जलाई गई। रामपुर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में आमने सामने का संघर्ष हो गया। कुछ प्रदर्शनकारी आसपास के घरों की छतों पर चढ़ गए और वहां से पुलिस पर ईंट और पत्थर फेंकने लगे। इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि रामपुर में उपद्रवी किस तरह कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस संघर्ष के दौरान उत्पाती भीड़ ने कई पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया। बाद में अधिकारियों ने मौके पर आकर पुलिसकर्मियों को छुड़ाया। 10 लोग थे, 4 राइफल थी हमारे पास और 10 लोगों को हम अकेले रस्सी से और हाथ से खींच के छत पे से फिर दूसरी छत पे तीसरी छत पे तब घर को तो आप लोग चोट वगैरह नहीं, घायल वगैरह नहीं हुए? हमारे दरोगा जी के पिस्टल छीन रहे थे तो वो घायल हो गए हैं जिनके सर में चोट है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस बल की इस हिंसक झड़प में कई पुलिस वाले घायल हो गए जबकि एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। रामपुर में हिंसक प्रदर्शन के बाद आला अधिकारी बरेली से रामपुर पहुंच गए। एडीजी अविनाश चंद्र ने रामपुर में शांति की अपील की। सबसे मेरा निवेदन है कि सब लोग इंडिविजुअली अपनी जिम्मेदारी लेते हुए खुद धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें, शांति बनाए रखें, किसी के बहकावे मत आएं, किसी भी के कहने पे कोई चीज़ बात विश्वास न करें और अमन चैन बनाए रखें, उसमें सहयोग करें। ये सबकी जिम्मेदारी, हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है, हम लोग की जिम्मेदारी तो वही है। रामपुर के ईदगाह इलाके में हुई इस हिंसक झड़प के बाद शहर में मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवा बंद कर दी गई। आमिर खान, रामपुर, आज तक। उत्तर प्रदेश में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन को बहुत कम हुए, ज्यादातर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन रामपुर और कानपुर में हिंसा भड़क गई। कानपुर में प्रदर्शनकारियों ने बवाल काट दिया। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के एक विधायक को हिरासत में भी ले लिया है। नागरिकता कानून के विरोध की आग में यूपी के कई शहर झुलस गए। सहारनपुर में भी प्रदर्शन हुआ लेकिन यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएए के विरोध में कुछ देर मौन धरना देकर बापू के भजन गाकर विरोध प्रकट किया।
ये तस्वीर प्रयागराज की है। यहाँ मुस्लिम महिलाओं ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मोर्चा निकाला। उधर माहौल को शांत करने के लिए पुलिस यहाँ सतर्क नजर आई। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, जगह जगह बैरिकेडिंग है, आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है। जिले के सभी स्कूल और कॉलेज आज तीसरे दिन भी बंद रहे। यूपी के तीन शहरों की तस्वीरें देखिए, शहर शहर पुलिस की निगरानी तेज है। मेरठ के संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात है, तो बुलंदशहर में मुस्लिम बहुल इलाके में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। गुरुवार को हिंसा की आग में झुलसे संभल में फ्लैग मार्च किया गया। नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर यूपी में हुए हिंसक हंगामे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें मेरठ में 4, फिरोजाबाद, संभल, बिजनौर और कानपुर में 2-2, रामपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में 1-1 की मौत हुई है। उपद्रवियों की हिंसा के क्रम में अब तक 15 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त है। जो भी सीन्स रहे हैं, सीन ऑफ क्राइम रहे हैं, वहां पर फॉरेंसिक टीम्स ने डिटेल इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया आरंभ की है। साफ है यूपी में जो हालात हैं, उसे संभालना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और नीलांशु शुक्ला, मेरठ से अरविंद ओझा, रामपुर से आमिर खान और कानपुर से रंजय कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। मेरठ में शुक्रवार को हिंसक संघर्ष हुआ था। पुलिस और उपद्रवी आमने सामने आ गए थे। दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई थी, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो गई। मेरठ में संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। इस बीच पुलिस ने दावा किया है कि उपद्रवी बाहर से आए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने मदद पहुंचाई थी। इन्हीं बाहरी लोगों ने सबसे ज्यादा हिंसा भड़काई थी। एक शहर जिसमें 2 दिन पहले तक अमन चैन था, समरसता की पटरी पर जिंदगी की गाड़ी सरपट दौड़ रही थी, लेकिन शनिवार को यह शहर पुलिस छावनी बन गया। जी हां, यह क्रांतिकारियों की सरजमीन है, यह मेरठ शहर है। शुक्रवार की शाम मेरठ में नागरिकता कानून के विरोध में हिंसा भड़क उठी थी। प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद की पुलिस चौकी पर आग लगा दी थी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर झड़प हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए। 3 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है। फोनो आगे नहीं, आगे नहीं, फोनो आगे नहीं, फोनो। पुलिस की माने तो प्रदर्शनकारियों के पास अवैध हथियार थे, जिससे उन लोगों ने करीब 50 राउंड फायर किया था। मेरठ जोन में करीब 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से कई के पास से अवैध असलहे भी बरामद किए गए हैं। जो दंगाइयों द्वारा शस्त्र वगैरह इस्तेमाल किए गए, वो भी जब्त किए गए हैं। कितने शस्त्र जब्त किए होंगे और किस तरह के शस्त्र हैं? जो शस्त्र जब्त किए गए हैं, उसमें तमंचे हैं, SBBL, DBBL गन है, तलवार है, चाकू है और खोखा कारतूस हैं, जो कि फायर किए गए दंगाइयों के द्वारा। कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं और तमंचे भी मौके से लिए गए हैं। मेरठ में शुक्रवार की हिंसा के बाद शहर में शांति तो है, लेकिन तनाव भी। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स शहर में तैनात है। पुलिस टीम ने फ्लैग मार्च भी किया। मेरठ के जिस इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा बवाल हुआ था, जहां पुलिस चौकी फूकी गई थी, वहां भी पुलिस फोर्स की गश्त बढ़ा दी गई है। सिर्जन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जमकर हिंसा हुई। मेरठ भी इसमें अछूता नहीं रहा। इस वक्त मैं मेरठ में मौजूद हूं और यहां पर आप देख पा रहे हो उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। और ये जो मेरठ की पुलिस चौकी है, इस्लामाबाद पुलिस चौकी, इसमें जमकर तोड़फोड़ हुई और जो उपद्रवी थे उन्होंने इस जो पुलिस चौकी है उसको आग के हवाले कर दिया। एहतियात के तौर पर अगर आप देखें यहां पर, तो जो भारी फोर्स है, पुलिस बल है, वो तैनात की गई है। मेरठ में शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने मनमानी की, जमकर उत्पात मचाया, आग लगाई और अब प्रशासन उपद्रवियों का हिसाब किताब करने के लिए कमर कस चुका है।
इस मामले में 13 FIR हो चुकी है। सख्त ऐलान हो चुका है कि उत्पातियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये जितने भी उपद्रवी कल जिन्होंने ये उत्पात मचाया है और मेरे शहर को जलाने की कोशिश की है, सबको हम लोग आइडेंटिफाइड करा रहे हैं और जो भी हैं इन तब के खिलाफ जो है तब कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो है हम लोग जनता से भी यही अपील कर रहे हैं कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और अगर कोई शिकायत है, कोई असामाजिक तत्व आज भी कोई बाहरी इनको दिखाई देता है तो हमें तत्काल बताया जाए, उसके खिलाफ तक कार्रवाई की जाएगी। उधर मेरठ पुलिस को ऐसे इनपुट मिले हैं जिनसे पता चला है कि तमाम उत्पाती बाहर से आए थे, उन्हीं ने बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाई है। इन उत्पातियों को स्थानीय स्तर पर समर्थन मिला है जिसकी जांच की जा रही है। जिस तरह से ये हुआ है इससे निश्चित रूप से तय है कि कुछ बाहरी लोग आए थे और यहाँ लोकल प्रश्रय भी इन्हें जरूर मिला है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई संगठन हो जिसके द्वारा ये प्रश्रय दिया गया है उसको भी चिन्हीकरण किया जा रहा है और सभी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। बाहरी लोग कौन हो सकते हैं इसके चिन्हीकरण की जा रही है। बाहर से जो लोग आए हैं वो किसी संगठन से या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, सभी के फोटोग्राफ्स हमारे पास। संगठन दो तीन कोई ऐसे संगठन अभी हम लोग नाम नहीं ले रहे हैं, हमारे पास फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ सारे आ गए हैं, उस आधार पर हम लोग चिन्हीकरण कर। उत्तर प्रदेश का मेरठ जोन बेहद संवेदनशील है जिसमें 9 जिले आते हैं। शुक्रवार को मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और सहारनपुर में जमकर हिंसा हुई थी जिसके बाद से ही इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। पुलिस प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। उस्मान चौधरी के साथ अरविंद ओझा, मेरठ आज तक। नागरिकता कानून का विरोध करने के नाम पर प्रदर्शन कैसे उपद्रवियों के चंगुल में फंस गया है उसकी एक जीती जागती तस्वीर दिल्ली के सीमापुरी से सामने आई है। जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा भीड़ ने यहां एक आईपीएस अधिकारी पर पत्थर बरसाए और उसे खदेड़ा था। अब इस घटना का वीडियो सामने आ गया है जो कि विरोध के नाम पर दंगा करने वालों को बेनकाब कर देगा। ये 20 दिसंबर के दिल्ली के सीमापुरी इलाके की तस्वीर है। प्रदर्शन के नाम पर भीड़ पुलिस वालों के खून के किस तरह प्यासी है ये इस तस्वीर से साफ हो जाता है। पत्थर बरसाती भीड़ पुलिस वालों को खदेड़ रही है। पुलिस टीम की अगुवाई कर रहे आईपीएस अधिकारी और शाहदरा जिले के एडिशनल डीसीपी रोहित राजवीर सिंह भी उग्र भीड़ से जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। उनके साथ उनका स्टाफ भी भाग रहा है। अचानक उनके पैर लड़खड़ाए और वो जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरते ही भीड़ में शामिल कुछ लोग भीड़ को रोकने की कोशिश करते हैं। इस बीच रोहित को उठकर फिर से भागने का मौका मिल जाता है। उठते हैं और बेतहाशा भागकर अपनी जान बचाते हैं। यहां से भागकर वो सीलमपुर पहुंचते हैं जहां आज तक की टीम की नजर उन पर पड़ती है। ये देखिए जब रोहित राजवीर सिंह भीड़ से जान बचाकर सीलमपुर पहुंचे तो उनकी हालत कैसी थी। उनकी आंख के नीचे चोट लगी थी, सिर से भी खून बह रहा था। इलाके के डीसीपी ने उन्हें मेडिकल जांच की सलाह दी। वहीं रोहित ने बताया कि उन्हें चोट कैसे लगी। थोड़ा सा ओल्ड सीमापुरी की साइड पे थोड़ा पथराव हो गया था, वहाँ कुछ शॉट्स भी फायर हुए। सर और तो नहीं किसी को चोट लगी आपको? कहीं और ज्यादा गंभीर चोट तो नहीं लगी? हमारे साथ थे अभी 7-10 मेरे साथ ही थे, डिफरेंट डिफरेंट उनको भी थोड़ी बहुत चोट आई है। ठीक, विल सी टू इट, नो प्रॉब्लम, इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब। बीस दिसंबर की इस घटना का वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि कैसे विरोध के नाम पर ये भीड़ दंगाइयों जैसा सलूक कर रही है। एक युवा आईपीएस अधिकारी जो शांति व्यवस्था के लिए अपनी टीम के साथ उनके बीच जाता है, वही भीड़ उसकी जान लेने पर तुल जाती है। गनीमत रही कि एडिशनल डीसीपी रोहित राजवीर सिंह बच निकले, वरना भीड़ क्या कर बैठती इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग गाजियाबाद के रहने वाले हैं। देखिए जिस दिन की घटना है उस दिन सीलमपुर में कितनी बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रही थी। बैरिकेड के उस पार जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग दिख रहे थे, वहीं बैरिकेड के इस तरफ कुछ पुलिस वाले ड्यूटी पर तैनात थे। जब ये भीड़ बेकाबू होती है तभी पुलिस वालों को कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है, वरना ये भीड़ किसी की भी जान लेने पर उतारू हो जाती है। चिराग गोठी के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक।
नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए भीड़ तो इटावा में भी जुटी थी, बच्चे भी आए थे। इटावा के एसएसपी संतोष मिश्रा ने वहीं पर बच्चों की एनआरसी की क्लास लगा दी। बड़े ही मजेदार अंदाज में कप्तान ने समझाया कि किसी को भी बाहर नहीं जाना है, यहीं पढ़ना है, यहीं रहना है। बच्चों से बोले कि तुम्हें पुलिस में भी भर्ती होना है, यही रहना है, सबने याद रखें यही रहेगा, तो कल भी यही रहेगा, अपना भी। तो ये जितने भी हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है जो भारत के किसी भी नागरिक को, क्या नाम है तुम्हारा? ताहिर मोहम्मद। ताहिर, किसने कह दिया कि कहाँ जाना है, यहीं रहना है, पढ़ना भी है, स्कूल जाता है, स्कूल से छुट्टी नहीं मिलेगी तेरे को, किसने कर दिया कि आप पढ़ाई लिखाई सब बंद, यहीं रहना है, यहीं पढ़ना है। और ये पीछे देखो, इसी तरीके से पुलिस में भर्ती भी होना है, मेहनत भी करनी है। तो कोई भी अफवाह फैलाए, कोई भी गुमराह करने की कोशिश करे कि ये बिल आ गया, वो कानून आ गया, जिसमें इनको यहाँ निकाल देंगे, वहाँ निकाल देंगे, बिल्कुल अफवाह है, सब झूठ है, इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। ये कानून का सिर्फ एक ही मकसद है, जो भारत के बाहर के लोग हैं, जो भारत के रहने वाले लोग ही नहीं है, उनके लिए कानून है। जो भारत के हैं, जो यहीं रह रहे हैं, इटावा में रह रहे हैं, उनको इस कानून से कोई लेना देना है ही नहीं, उनके मतलब का चीज है ही नहीं। और तुमको तो खासकर नहीं घबराना, तुमने नाम बता दिया अपना। मेरे को नागरिकता कानून के खिलाफ बिहार में आरजेडी ने बंद तो बुलाया, लेकिन बंद के नाम पर कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए। आपको हम भागलपुर का मंजर दिखाते हैं, जहां मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं ने कई ऑटो पर हमला कर दिया, शीशों को चकनाचूर कर दिया, ड्राइवर सहित सवारियों की जान पर बनाई। जरा बिहार में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन देखिए। इस मंजर को देखकर हैरान होंगे हम और आप, और ना जाने क्या क्या जवाब देंगे आरजेडी के नेता नवाब। शुरुआत भागलपुर से, गौर से देखिएगा इन तस्वीरों को। नागरिकता कानून के खिलाफ आरजेडी ने बिहार बंद बुलाया था, लेकिन बंद के नाम पर इनके कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, इनका उत्पात देखिए। लाठी डंडों से लैस चंद उपद्रवियों ने सुबह सुबह स्टेशन चौक पर बेचारे गरीब ऑटो वालों को निशाना बनाना शुरू किया। एक एक करके तीन ऑटो पर इन उत्पातियों ने लाठी रॉड से जानलेवा हमला किया। हैरानी इस बात की है कि ऑटो में स्टेशन से आ रही सवारी सवार थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हमला किया। सोचिए इन्हें चोट लगती तो क्या होता। क्या प्रदर्शनकारी का यही मकसद है कि 50, 100 या 200 दिहाड़ी कमाने वाले इन गाड़ी वालों के पेट पर लात मारी जाए? आखिर नागरिकता कानून या एनसीआर से इन बेगुनाह ऑटो वालों का क्या लेना देना है? इन्हें पार्टी कार्यकर्ता नहीं, गुंडे कहना ज्यादा सही होगा। भागलपुर की सड़कों पर तोड़फोड़ मचाने वालों पर गौर फरमाइए। लाल कुर्ता जैकेट और सफेद पायजामा पहना ये उपद्रवी हर तोड़फोड़ में दिखाई दे रहा है। ये भी गारंटी मानकर चलिए कि इसे ना तो सीए के बारे में पता होगा और ना ही एनआरसी के बारे में। अब ये तो लालू और उनके लाल तेजस्वी यादव ही बताएंगे कि उनके कार्यकर्ताओं के उत्पाद को देखकर उनके दिलों को कितना सुकून मिल रहा होगा। तोड़फोड़ क्यों करते हैं आप लोग? संपत्ति किस तरह से संपत्ति बता दो? ये गाड़ी किस गाड़ी है? वो आपकी गाड़ी है ना? अगर एक जो आपका जो उद्देश्य फेल कर जाए, हिंसा आप बता देना, बोल दे रहा हूँ सर, सुन लीजिए, बता दे रहा हूँ, हिंसा करोगे बल प्रयोग करें, खुद बता दे रहे। भागलपुर में दिन भर तनाव रहा, शहर में हंगामा बरपा, तो मौके पर एसपी सिटी सरोज कुमार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।